जिला राजनांदगांव के मुढ़िया मोहरा पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रूताला में एक बीमार ग्रामीण को पुलिस ने अपना शिकार बना लिया। चौकी प्रभारी योगेश अग्रवाल पर ग्रामीणों ने मारपीट का आरोप लगाते हुए एसपी राजनांदगांव को शिकायत की है। शिकायत पत्र में पीड़ित ने कहा है कि बुरी तरह डंडे से मारपीट किया गया। वहीं गाँव के नल ऑपरेटर सहित दो युवकों को भी पीड़ितों ने अपना वीडियो बनाकर खुद पुलिस अधिकारियों को भी दिखाया। जिले के मोहरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर ग्रामीणों ने थाना प्रभारी पर जबरदस्ती मारपीट का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। जिला पंचायत सदस्य ने थाना प्रभारी पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं संबंध में थाना प्रभारी योगेश अग्रवाल ने कहा कि मामला कुछ नहीं है, बिना बात कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, उनके अवैध काम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए बिना बात मामला बना रहे हैं। रुआतला गांव को कलेक्टर ने 10 जून से कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है। कुछ व्यक्तिगत फायदे के लिए कोरोना संक्रमण फैलाने खतरे को अनदेखा करते हुए कंटेनमेंट जोन के बैरिकेड्स को तोड़कर शराब लेने जा रहे थे, जिसके खिलाफ पंचायत सचिव ने मौखिक सूचना दिया। मेरे द्वारा गाँव में समझाइश भी दी गई, पर विवादित गांव के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा महामारी के समय भी बैरिकेड तोड़कर शराब लेने जाने लगे। पंचायत सचिव ने पुनः लिखित आवेदन दिया कि गांव में कुछ लोग उनकी बात नहीं मान रहे और बैरिकेड तोड़कर राजनांदगांव और डोंगरगढ़ आना जाना कर रहे हैं, जिसके संबंध में गांव में समझाइश दिया गया, जिसका विरोध गाँव के कुछ असामाजिक तत्व करने लगे और इसी कारण मेरे खिलाफ झूठा प्रकरण बनाकर निजी लाभ के लिए बिना किसी जानकारी के पंचायत सचिव थाना SDM के कंटेनमेंट जोन के बैरिकेड्स को तोड़कर गांव के लोग राजनांदगांव जाकर शिकायत किए। इन लोगों को थोड़ा भी समाज का ख्याल होता, जिसको कलेक्टर ने पूरी तरह से सील बंद किया है, वहां बैरिकेड्स नहीं तोड़े जाते। बता दें कि गांव में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने से गाँव को सील बंद किया गया है, लेकिन पुलिस की इस तरह बर्बरता से गाँव में पुलिस के खिलाफ रोष उत्पन्न हो रहा है। DNX TV के लिए राजनांदगांव से सोमेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। थाना वहां का मोहरा थाना आता है, वहां पर चौकी प्रभारी है, मोहरा के चौकी प्रभारी योगेश अग्रवाल, जिनके द्वारा 15 तारीख को सोमवार को ग्रामीणों के द्वारा एक किसान, दो तीन किसान अपने खेत जा रहे थे कृषि कार्य के लिए, तो उनको रोक कर रास्ते में इतना बलपूर्वक उनके साथ मारपीट किया गया है योगेश अग्रवाल के द्वारा। हमारा कहना ये है कि अगर वो व्यक्ति मास्क नहीं लगाया था तो उनके ऊपर जुर्माना करते, लेकिन ऐसा बलपूर्वक मारना, ये घटना निंदनीय है। और माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का स्पष्ट निर्देश है, जिस पुलिस अफसर के ऊपर, उनके ऊपर मानवता नहीं करते, मानवता नाम की चीज़ नहीं, ऐसे पुलिस अफसर के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे ग्रामीण जन आज मेरे साथ आए हुए हैं, सभी इस बात से दुखी हैं, और जो जिनके साथ मारपीट हुआ है, भैया लाल वर्मा सहित अन्य, वो लोग भी साथ में आए हुए हैं। इसकी कहां शिकायत की आपने? शिकायत आज पुलिस अधीक्षक जी के पास हम लोग आए हुए हैं, SP सर के पास, यहां शिकायत हम कर रहे हैं आज। बिना बात कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, उनके अवैध कार्य को मैंने बंद करा रखा है, इसलिए झूठी शिकायत की है। ग्राम रुआतला में 10 जून को एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली थी, संक्रमण फैल ना जाए यह देखते हुए जिला दंडाधिकारी महोदय ने पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है और उन्होंने सील बंद कराया है। कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, जो व्यक्तिगत लाभ के लिए जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा कराए गए बैरिकेड्स को तोड़कर अवैध रूप से शराब लेकर लेने जा रहे हैं और शराब लेकर आकर गाँव में पी रहे हैं, पीने के बाद गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं। इस संबंध में हमारे द्वारा कुछ असामाजिक तत्वों को समझाइश भी दिया गया है और इस संबंध में एक व्यक्ति को फटकार भी लगाई गई है। और जिस व्यक्ति ने शिकायत की वो आदतन शराबी है और वह खुद शराब पीकर गांव में गाली गलौज और मारपीट करते रहता है। उसके साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गई है। गांव के सचिव, गांव के सरपंच और पटेल ग्रामवासी से पूछ सकते हैं, वे खुद एक लिखित शिकायत पेश किए हैं कि हमारे गाँव को आप आकर इन लोगों से जो असामाजिक तत्व हैं उनको समझाइश देकर संक्रमण को फैलने से रोके। बेवजह कुछ राजनीतिक व्यक्ति हैं जो यह पसंद नहीं कर रहे हैं कि मेरे द्वारा उनके अवैध तस्करी को बंद कराया गया है, जिस कारण वे राजनीतिक तूल दे रहे हैं। घटनाक्रम की जांच पर स्पष्ट हो जाएगा कि मेरे द्वारा किसी प्रकार से कोई मारपीट नहीं किया गया।